लोगों ने सब दुआ किया, अच्छा फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं। देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सफल किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर के सबसे बड़े अस्पताल में हो चुका है, जिसके बाद उन्हें आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया है। लालू प्रसाद यादव इस वक्त डॉक्टरों की देखरेख में हैं, जहां उनके बॉडी का ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। स्थिति सामान्य होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। लालू प्रसाद यादव को उनकी दूसरे नंबर की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने अपना किडनी डोनेट किया और ये प्रक्रिया पूरी तरीके से सफल रही है, जिसके बाद वो स्वस्थ हैं, बेहतर है। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने के बाद का वीडियो भी हमने आपके साथ साझा किया था, हमने आपको खबर में दिखाई थी उस वीडियो को। और अब लालू प्रसाद यादव बातचीत कर रहे हैं अपने बेड पर, वो अस्पताल में लेटे हुए हैं और उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए ये कहा है कि लोगों की दुआओं का असर है, लोगों के प्यार का असर है, अब हम बेहतर फील कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव खुद को बेहद अच्छा महसूस कर रहे हैं, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, चूँकि उनका सफल किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है और अब वो धीरे धीरे और भी बेहतर हालातों में पहुंच रहे हैं। लालू प्रसाद यादव बातचीत करने की स्थिति में है, जहां उन्होंने इस वीडियो को जारी करते हुए लोगों का धन्यवाद जो है वो लोगों को धन्यवाद दिया है और लोगों के प्यार को स्वीकारा है कि लोगों की दुआएँ हैं, जनता का प्यार, साथ और विश्वास है कि आज उन्होंने ज़िंदगी के इस मुश्किल पड़ाव को पार कर लिया है, बिल्कुल स्वस्थ हैं वो। लालू प्रसाद यादव के ऑपरेशन थिएटर में पहुंचने से पहले अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही उनको लेके पूजा अर्चना लगातार की जा रही थी, पूरे बिहार में हवन पाठ किया जा रहा था। खुद उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास में रुद्राभिषेक कर रहे थे। आरजेडी कोटे के मंत्री आलोक मेहता और आरजेडी से दानापुर विधायक रीतलाल यादव के द्वारा भी हवन पाठ किया गया। तमाम आरजेडी के समर्थकों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न विभिन्न जगहों पर पूजा पाठ की प्रक्रिया की जा रही थी। सभी मिलकर लालू यादव के स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे, उनको लेकर ईश्वर से प्रार्थना की जा रही थी। और जब उनके किडनी ट्रांसप्लांट की सफल प्रक्रिया की खबर सामने आई, वैसे ही पूरे बिहार में, आरजेडी परिवार में और साथ ही साथ पूरे देश भर में एक अलग खुशी की लहर दौड़ गई। खासकर अगर बात करें बिहार की, तो बिहार की राजनीति की जो नज़र थी वो 5 दिसंबर को लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट पर ही थी, जहां सबकी जो निगाहें हैं, जो सबकी उम्मीदें थी वो सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव को लेकर जुड़ी हुई थी। अब सब ये चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द सिंगापुर से स्वस्थ होकर इंडिया वापस लौटे और इंडिया वापस आने से पहले सिंगापुर के ही हॉस्पिटल से अपने बेड से उन्होंने इस वीडियो को जारी करते हुए लोगों को इस बात का आश्वासन दिया है कि वो बिल्कुल भी बेहतर है, ठीक है, लोगों को फिक्र करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बार फिर से उन्होंने लोगों को जो है शुभकामनाएं दी हैं कि उनकी वजह से वो आज बेहतर है, लोगों को धन्यवाद दिया है और लोगों के प्यार को स्वीकारा है कि आज वो हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जनता की वजह से, लोगों के प्यार और साथ की वजह से। तो छोड़े जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ, देखिए वीडियो में लालू प्रसाद यादव क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं।